जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बच्चों में सामाजिक बुराइयों से लड़ने की सोच व समझ विकसित करने के लिए अनूठी पहल की है। प्राधिकरण द्वारा सोमवार से शुरू हुए समर कैंप में बच्चों को सामाजिक बुराइयां, उनके निराकरण के लिए बने कानूनों, यातायात नियमों का पालन एवं व्यक्तित्व विकास की जानकारी दी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के राजीव गांधी सभागार में प्राधिकरण का 3 दिवसीय निःशुल्क समर कैंप सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमेश कुमार शर्मा और प्राधिकरण के सचिव सुरेंद्र पुरोहित की अगुवाई में शुरू हुआ। परिवहन विभाग के जिला परिवहन अधिकारी वीरेंद्र सिंह राठौर ने शिविर के सहभागियों को भारत में सड़क सुरक्षा विधि व उनकी समस्याओं के विषय में जानकारी दी। उन्होंने यातायात संकेतक, सड़क के चिन्ह, दुर्घटनाओं का कारण और निवारण सहित अन्य पहलुओं के बारे में बताया। शिविर में बेयरफुट कॉलेज तिलोनिया की टीम ने कठपुतली खेल के माध्यम से बच्चों को सामाजिक कुरीतियों की जानकारी दी। कठपुतली के माध्यम से बाल विवाह एवं इसके दुष्परिणाम के बारे में बताया गया। खेल खेल में मनोरंजन के माध्यम से बच्चों को सामाजिक बुराइयों से लड़ना सिखाया गया। शिविर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की अधिकारी चांदनी छापरवाल ने संभागियों को एजुकेशन लोन के बारे में बताया। उन्होंने एटीएम धोखाधड़ी से बचने के लिए बच्चों को महत्वपूर्ण जानकारी दी। प्रतिभागियों को बाल श्रम और कन्या भ्रूण हत्या के बारे में प्रेजेंटेशन से शिक्षा दी गई। इस दौरान प्रसिद्ध कवि अशोक चक्रधर की कविता बूढ़े बच्चे एवं कन्या भ्रूण हत्या पर दिखाई गई लघु फिल्म ने सभी को प्रभावित किया। जोधपुर के अरविंद भट्ट ने कम्युनिकेशन स्किल और पब्लिक स्पीकिंग विषय पर बच्चों को प्रभावशाली जानकारी दी। उन्होंने व्यक्तित्व विकास के गुर भी सिखाए। इससे पूर्व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सुरेंद्र पुरोहित ने कार्यक्रम का संचालन किया एवं विभिन्न विषयों के बारे में जानकारी दी। शिविर में विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थी एवं महिला संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर की ओर से समर कैंप का जो आयोजन किया जा रहा है उसका आज प्रथम दिवस है और 300 से अधिक बच्चों ने इसमें भाग लिया है। रोड सेफ्टी नियमों की इन्हें जानकारी दी गई है, कम्युनिकेशन स्किल एवं पब्लिक स्पीकिंग की इन्हें जानकारी दी गई है और साथ ही लीगल अवेयरनेस के संबंध में जानकारी पपेट शो के द्वारा दी गई है। कल भी कैंप का आयोजन रहेगा, कल के लिए बुकिंग पूरी हो चुकी है लेकिन 11 तारीख के लिए महिलाओं का रजिस्ट्रेशन चालू है। जो भी महिला वर्ग के हैं और समाज सेविका हैं अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में। और बच्चों ने और उनके पेरेंट्स ने भारी उत्साह इसमें दिखाया है और ये राजस्थान में प्रथम तरह का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है।